नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये प्रोग्राम अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक प्रतिष्ठित हथेली है और हमारे पास ये हथेली है। हथेली को अगर एक नज़र में देखते हैं तो मेहनती भी बहुत अच्छे हैं और सही दृष्टिकोण में मेहनत करेंगे इस और भी इनकी हथेली बता रही है। दूसरी बात, इनको जो काम मिलेगा वो बोलने का ज़्यादा काम होगा, शारीरिक मेहनत जीवन काल में कम करनी पड़ेगी। वर्तमान स्थिति को अगर हथेली के अनुसार देखा जाए तो आप लोग भी देख ही रहे हैं, बहुत सारी रेखाएं अनगिनत रूप से बिल्कुल सूक्ष्म और गौण रेखाएं, छोटी छोटी प्रधान रेखाओं को काटती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है और हर ग्रह पे, हर पर्वत पे अपना जाल बनाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे हथेली में नज़र दोष का एक प्रमुख कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इनके हर काम में आंशिक रूप से बाधा डालते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, चाहे आपके मांगलिक कार्यों में हो, चाहे आपके करियर के कार्यों में हो, चाहे धन के कार्यों में हो, कहीं ना कहीं जो है ये रेखाएं आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है आंशिक रूप से, लेकिन आपके डेवलपमेंट को और आपकी तरक्की को यहाँ पे रोकती हुई ये दिखाई दे रही हैं। इनका सुंदर और बेहतरीन तरीका है अपनी जीवनचर्या को थोड़ा सा बदल देना। इसके लिए मैं लिख करके उपाय दे रहा हूँ, उनको विधिवत तरीके से आप करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए आपकी जो हृदय की लकीर है, हृदय की लकीर यहाँ पे सीधी जाके इस तरह से गुरु बृहस्पति जी से युक्ति बनाती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है और ये बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसी हृदय रेखा इसलिए श्रेष्ठ है कि आपका जो व्यक्तित्व है केवल अपने हित और अपने परिवार के हित पे ही निर्भर नहीं है, आप सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व है। हाँ, ऐसे लोग विद्वान होते हैं, अपने जीवन काल में बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं और तेजस्वी होते हैं, प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होते हैं, हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं जो जच गया तो, और जो मन से जचता है, साथ निभाने का काम करता है, तो आप भी अंत तक निभाने वालों में से एक हैं, लेकिन स्वाभिमानी होंगे, स्वाभिमान में जो है कोई कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, पूर्णतः विश्वासी भी हैं, निर्मल हृदय का आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ देखिएगा, अभी आपका जो सूर्य का पर्वत है वो भव्य अवस्था में तो है लेकिन दोषयुक्त है, उसमें जो बहुत सुंदर और भव्य सूर्य की रेखा है ये दोषयुक्त यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है, लेकिन जब इसका दोष खत्म हो जाएगा तो निश्चित रूप से आपका सूर्य भव्य अवस्था में आएगा, आपकी सूर्य रेखा भी भव्य अवस्था में है, अभी भी है लेकिन कुछ रेखाएँ उसको दूषित कर रही हैं। अपनी जीवन काल में करियर के क्षेत्र में आप मान पद प्रतिष्ठा और ज़्यादातर मामले में लीडरशिप के गुण आपकी हथेली में हैं, बहुत ऊंचा पद आप अपने जीवन में पा सकते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। सूर्य की लकीर बहुत भव्य रूप यहाँ पे ले रही है, थोड़ा दोषयुक्त है, अभी समय के साथ वो दोष उतरेगा, निश्चित ही आप उच्च अधिकारी बनने के योग्य हैं। और आप चाहे किसी भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करके ही हो, चाहे नौकरी करके हो, जीवन काल में कोई और काम करके भी हो, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ हृदय रेखा से निकलकर एक रेखा इस तरह से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक विष्णु तिलक आपकी हृदय रेखा पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। हमारे हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार ये विष्णु का साइन, ये विष्णु तिलक जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है उसके ऊपर साक्षात परब्रह्म भगवान बद्री विशाल जी की, भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मानी जाती है। यदि ऐसा विशेष चिन्हों वाला जातक
चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, इसमें कोई मतभेद नहीं है, अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो ऐसे लोगों को किसी भी काम में अवश्य सफलता अपने जीवन काल में मिलती है। ऐसे लोगों को हराना, ऐसे लोगों को हानि पहुंचाना जो इनके विरोधी हैं, उनके लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। जिसकी भी हथेली में ये विष्णु का तिलक होता है, ये विष्णु का साइन होता है, वो जातक स्त्री पुरुष कोई भी हो, अत्यंत भाग्यशाली ऐसे लोगों को माना जाता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे विशेष ध्यान देने की है, यदि ऐसा व्यक्ति अगर गलत कार्यों में फंस जाता है, बने किसी भी कारण, चाहे वो अपने स्वार्थ के कारण हो चाहे किसी और के कारण हो, अगर ऐसे फंस जाता है गलत कार्य करता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है रसातल की ओर जाता है और उसको बचाने वाला फिर इस जीवन में कोई नहीं है। ये यहाँ पे आपकी हृदय रेखा थी, बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखें यहाँ पे जो है इस तरह की लकीरें आती हुई और एक वर्ग का निशान बना रही है, और ये वर्ग बन रहा है आपका शनि पर्वत पर, बीच की उंगली है ना, ये बीच की उंगली के नीचे का जो ये भाग है ये शनि पर्वत है और इस पे वर्ग का निशान बन रहा है। ये थोड़ा अलग बात कहता है। देखो शनि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये होता है। ऐसा जातक बार बार मौत के मुँह में भी चले जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। इस तरह का इस चिन्ह का जो है खासियत होती है। वहीं अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और जब इसमें त्रिकोण बनता है इस तरह से बन रहा है, तो ऐसे लोग रहस्यमय विद्याओं की ओर भी धीरे धीरे आकर्षित हो जाते हैं। और कई बार ऐसे लोग जो है तंत्र साधना अगर कर ले तो उसमें सिद्धि प्राप्त करते हैं। इस ओर से दूर ही रहे तो अच्छा रहता है, क्योंकि जो है ज़्यादा तंत्र सिद्धि वगैरह करना ठीक नहीं माना जाता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें तो एक रेखा जो है इस तरह से निम्न मंगल से आ रही है, पर देखिएगा ये पूरा फल प्रदान नहीं करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये राहु की रेखा है और जिस क्षेत्र से आ रही है वो क्षेत्र जो है दोषयुक्त है, मंगल दोषयुक्त है। यहाँ पे वहाँ से जो रेखा आ रही है मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो ये रेखा फल नहीं दे पा रही है। नहीं तो ये रेखा अगर शनि पे जाती है और जहाँ पे ये वर्ष फल बता रहा है 21 और 22वें साल में, निश्चित रूप से धन में वृद्धि करती है। और जब ये शनि से मिलते हैं तो धन में वृद्धि करती है, और उसके साथ करियर की रेखा, भाग्य रेखा एकदम प्रबल हो, स्पष्ट हो, सही रूप से हो, तो व्यक्ति को एक से ज़्यादा संसाधनों से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन यहाँ पे दोनों रेखाएं निस्तेज हैं, इनका कोई भी फल आपके जीवन में अभी नहीं दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा की बात करें, मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत सुंदर है, लेकिन कई छोटी छोटी रेखाएं जो है इसको काट रही हैं, ये भी ठीक नहीं मानी जाती है। मस्तिष्क रेखा आपके जो है चंद्र क्षेत्र पे जा रही है, क्रिएटिविटी बहुत सुंदर रहेगी, और कहीं ना कहीं जो है जो कल्पना शक्ति है, जो सोचने की शक्ति है, वो भी बेहतरीन रहेगी। कल्पना बहुत अच्छे करेंगे और जीवन काल में लंबी और हवाई यात्रा का मौका भी आपको निश्चित रूप से मिलेगा, या यूँ कहें कि विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से मस्तिष्क की रेखा है, ये कन्फ्यूजन की स्थिति, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो तो ध्यान भटक सकता है, पैसे कमा रहे हो तो पैसा हथेली में नहीं रुक सकता है, या कोई डिसीजन ले रहे हो तो उसमें जो है दुविधा की संभावना, कन्फ्यूजन की संभावना रह सकती है, क्योंकि छोटी छोटी रेखाएं काट रही हैं, नज़र दोष का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी जीवन की रेखा को देखें तो आपकी जीवन की रेखा इस तरह से चलती हुई नज़र आ रही है, और यहाँ तक जो है
किसी तरह पीछे तक आ रही है। देखो परिवार के प्रति समर्पण की भावना तो रहेगी लेकिन जीवन में तरक्की होगी लेकिन अस्थायित्व भी रहेगा, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलने आपको अपने जीवन में पड़ेंगे। वहाँ वहीं देखें तो यहाँ पे जो है एक त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा माना जाता है और ये थोड़ा लेट है, ये 45 से 50 या 55 से 60 के बीच यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसी अवस्था में आपको इस समय निश्चित रूप से कोई बड़ी संपत्ति का आपको लाभ मिलेगा प्रॉपर्टी के रूप में। यहाँ पे देखें कुछ रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इस तरह से जो है एक पत्ती नुमा वर्ग नुमा बना रही है, यहाँ भी बना रही है। निश्चित रूप से यहाँ पे जो है आपको ओल्ड एज में अच्छे खासे धन का और वाहन का और एक चीज़ और कहते हैं कि आपको जो है अच्छी यात्रा का लाभ जो है मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी सभी रेखाएं हमने देख ली लेकिन आपकी जो करियर की रेखा है वो रेखा बहुत मध्यम स्थिति में दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में सबसे पहले तो ये चंद्र क्षेत्र से निकल रही है और जब भी हमारी भाग्य की लकीर, हमारे करियर और हमारी धन की लकीर चंद्रमा से आरंभ होती है तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है, जी तोड़ मेहनत कराती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ऐसे में। लेकिन तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच में कहीं चैन मिलता है व्यक्ति को और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन कुछ व्यक्ति क्यों हथेली में ये 38वें वर्ष से, कुछ के 35वें वर्ष से और कुछ व्यक्तियों की हथेली में ये 41वें वर्ष से अपना फलादेश देना शुरू करती है। लेकिन जब ये फल देती है तो जीवन में सबसे बेहतरीन फल देती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने वाहन का, अपने मकान का और अपने व्यापार का बहुत बड़ा सुख अपने जीवन काल में मिलता है और जीवन काल में ये निरंतर जो है धनागमन करवाती है। बहुत बढ़िया रेखा, लेकिन अभी ये रेखा मृत अवस्था में है, बहुत दुर्बल अवस्था में है और जब ये रेखा दुर्बल अवस्था में रहता है तो करियर के क्षेत्र में व्यक्ति को और धन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है संघर्षों का सामना करना पड़ता है और सफलता बहुत कम देखनी पड़ती है। इसीलिए माँ लक्ष्मी की जितनी हो सके विधि पूर्वक उपासना करें और अपनी भाग्य की रेखा को जो है मजबूत करने का काम करें। जब ये मजबूत हो जाएगी तो आपकी हथेली में यहाँ पे इस तरह से फिर एक एम की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है और ये एम की आकृति सर्वोपरि आकृति होती है। आपके ऊपर साक्षात भगवान बद्रीनारायण की कृपा तो है, वो आपकी हृदय रेखा ने बता दिया, लेकिन भगवान त्रिपुरारी माँ पार्वती की भी अच्छी कृपा रहेगी, ये भी आपके इष्ट देवों में से एक रहेंगे। और दूसरी बात, इस साइन का मतलब ये भी होता है जब ये प्योर हो, जब ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे, सभी लाइनें स्पष्ट हो, कोई रेखा किसी रेखा को काट नहीं रही हो, कहीं पे तिल ना आ जाए या कोई रेखा छूट ना रही हो। अभी जो है गौण रेखाएं आपकी सब रेखाओं को काट रही हैं तो अभी इसका कोई मतलब नहीं है और आपकी भाग्य रेखा भी जो है यहाँ पे दुर्बल अवस्था में है। लेकिन जब सभी रेखे पूर्ण और स्पष्ट हो जाए, सभी लकीरें, तो आप निश्चित तौर पे 35वें वर्ष से लेकर 55वें वर्ष तक बहुत अच्छा धन अपने जीवन में कमाएंगे। और इस रेखा का मतलब ये भी होता है, इसका संकेत ये भी होता है कि शादी के बाद धन में बेतहाशा वृद्धि आपके जीवन में होगी और आप अपने लिए ही नहीं अपने जीवन लाइफ पार्टनर के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी लकी होंगी, अपने बच्चों के लिए लकी होंगी और निश्चित रूप से जो आपसे जुड़ेगा, मन से जुड़ेगा, उसकी भी किस्मत बदलने में सहायक आप होंगे। ये बहुत सुंदर जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, जिस तरह से बृहस्पति आपकी हथेली में बैठे हुए हैं उस हिसाब से
22वें वर्ष में निश्चित रूप से मंगल कार्य की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है, मांगलिक कार्य की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बाद 26 से 28वें वर्ष में मांगलिक कार्य की यहाँ पे अच्छी खासी संभावना दिखाई दे रही है। अब दूसरी बात है, अगर जो है जीवन साथी कैसा होगा उसके लिए जो है विवाह रेखा यहाँ पे संपूर्ण नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी अगर हम कहें अगर थोड़ा इस तरह से जा रही है ये रेखा, तो थोड़ा सा जो है अगर हम कहें तो वैचारिक मतभेदता कई बार रहती है, लेकिन अगर वैसे नहीं है, सीधी अगर जा रही है, अगर नहीं है तो उसमें भी जो है व्यक्ति का जो जीवन साथी रहता है केयर करने वाला रहता है। उसके बाद जीवन कैसा होगा इसके लिए एक काल्पनिक रेखा यहाँ से खींच लीजिएगा। उसके बाद आपकी जो मस्तिष्क रेखा है, एक बेहतरीन रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब होता है कि शादी के बाद आप उत्तम जीवन जिएंगे। उसके बाद आपकी ये रेखा भी बहुत सुंदर होती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग अपना दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर लीड करेंगे, इस और ये दिखाई दे रही है। ग्रहों की स्थिति में अगर हम आ जाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा जो है हम सूर्य रेखा के ऊपर चलें, क्योंकि ये रेखा भव्य अवस्था में आ रही है और यहाँ से जो है सुंदर रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। और देखिएगा सूर्य रेखा और सूर्य का मतलब रोशनी, और इतनी भव्य रेखा बहुत बड़ी तरक्की को दिखाती है। इतनी बड़ी रेखा एक बेहतरीन नौकरी को दिखाती है। अगर व्यक्ति व्यापार के क्षेत्र में देता है तो एक सुंदर और ऐश्वर्यपूर्ण व्यवसाय को दिखाती है। अगर सरकारी नौकरी की व्यक्ति कोशिश करता है तो राज्य सरकार से लाभ दिखाती है। आपकी उन्नति को ये दिखाती है कि व्यक्ति बेहतरीन उन्नति करेगा, क्योंकि ये गद्दी दिलाने वाली रेखा है, ये सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने वाली रेखा है, ये भव्य रूप में बैठी हुई है और सूर्य के पर्वत पे बैठी हुई है। सम्मान की रेखा है ये सम्मान दिलाती है। आपके सम्मान का सीधा संबंध जो है इस रेखा से है, आपकी गद्दी का, आपका करियर का सीधा संबंध इस रेखा से है। लेकिन यहाँ पे ये रेखा दूषित होती हुई दिखाई दे रही है, एक दूसरी रेखाएं इसको जो है बराबर काटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में इसका जो प्रभाव है वो ख़त्म होता हुआ यहाँ पे निश्चित रूप से दिखाई दे रहा है। सूर्य का आपको बेहतरीन उपाय करना, और सबसे ज़्यादा उपाय आपको जो है सूर्य का ही करना है। आप देख रहे होंगे आपकी हथेली में इस तरह से जो है एक त्रिकोण भी बन रहा है, लेकिन रेखाएं उसको पूरी तरह से काट रही हैं, और यहाँ पे भी जो है एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पर आभास हो रहा बन नहीं रहा है। और देखिएगा सूर्य पर्वत पर त्रिकोण का निशान व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के भी पारखी होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की भी निशानी होती है। ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से निर्धन हो या आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पुरुषार्थ और अपनी मेहनत और अपनी सही दृष्टिकोण वाली सोच के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि ऐसे लोग कमाते हैं। आपकी हथेली में भव्य सूर्य रेखा है, सुंदर यहाँ पे जो है निशान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको कई रेखाएं काट भी रही हैं। जीवन काल में जब तक यहाँ पे दोष रहेगा तब तक किसी भी रूप से जो है आपको ऋण नहीं लेना है, माने कर्जा नहीं लेना है, नहीं तो फंस सकते हैं। लेकिन इसको जितना जल्दी हो सके आपको ठीक करना है, जिससे जो है जीवन काल में सफलता की प्राप्ति हो। थोड़ा उंगलियों पे चले, फिर आपके ग्रहों की ओर आते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपकी ये उंगली जो है हल्की यहाँ पे इसकी तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, और जब इसकी तरफ मुड़ती है तो धार्मिक भावनाएं व्यक्ति के अंदर ये जगाती है। लेकिन दूसरी बात देखो, आपकी सूर्य की उंगली से जो है बराबर है ये दोनों, तो लीडरशिप के गुण आपके अंदर अच्छे रहेंगे। साथ साथ में
हिम्मती स्वभाव भी रहेगा, रिस्क लेने की क्षमता भी जो है इस उंगली की वजह से बनी रहेगी, और इस उंगली की वजह से कार्य कुशलता में वृद्धि तो होगी, साथ साथ में नेतृत्व और प्रतिभा की शक्ति भी बनी रहेगी। अब दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये रेखा, ये उंगली भी जो है इस तरह मुड़ रही है, तो आपको जो है हर कार्य के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा उठी हुई है, ये बेवजह की चिंताएं आपको जीवन काल में दे सकती हैं, और करियर के मामले में थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है। छोटी उंगली देखें तो इस तरह से मुड़ती हुई दिखाई दे रही है, संसार की तरह ही सोच रहेगी, धन पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, पहले पूर्व तक नहीं पहुंच रही है, थोड़ा नाखून बढ़ा लें तो बहुत बड़ा फायदा आपको होगा जीवन काल में। थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स में, मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में हल्के रूप से जो है यहाँ पर असर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, अंगूठा है, अंगूठी के नीचे के इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, ये शुक्र यहाँ पे है, और इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और आपके सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका सुंदर रूप से उभार लिए हुए होना बढ़िया है, अच्छा होता है, पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये सुंदर भी है, उभरा हुआ भी दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी दिख रहा है, आप भी निश्चित ही तेजस्वी होंगी, चेहरा भी सुंदर होगा, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर जरूर रहेगा, और परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता भी बनी रहेगी। जीवन काल में भौतिक सुख सुविधाएं आने वाले समय में अच्छा रहेगा, परिवार का भी सहयोग मिलेगा, आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, ये थोड़ा मानसिक परेशानी देता है, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी करने का काम करता है, और सुख विशेषतर मानसिक सुख, शारीरिक सुख और दाम्पत्य जीवन के सुख में जो है ये कमी करने का काम करता है, ये शुक्र है। जैसे आपके जो कार्य होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी ये अभाव की स्थिति में रखता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है, इसलिए शुक्र को ठीक करना, शुक्र को बेहतरीन अवस्था में लाना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं आपका अगर हम मंगल का क्षेत्र देखते हैं, जिसको हम निम्न मंगल कहते हैं, इसमें दो रेखाएँ जो है ऊपर की ओर चलती जा रही है और एक रेखा हृदय रेखा को भी हल्के रूप से टच कर रही है, और जब ये शुक्र का क्षेत्र भी माना जाता है तो हृदय जीवन रेखा को टच करने का मतलब है थोड़ा सा जो है, जो मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह संबंधी कार्य होते हैं, उसमें थोड़ा सा अड़चन देने का ये काम करती है। लेकिन ये रेखाएं लग्जरी की तरफ भी आकर्षित करती हैं। मंगल आपका हल्के रूप से जो है कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर रहा है, दुविधा की स्थिति में थोड़ा सा ला रहा आपको, और कहीं ना कहीं जो एकाग्रता की शक्ति है उसमें कमी लाने का काम कर रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल जिस तरह से है, थोड़ा सा हल्के रूप में चिड़चिड़ापन, गुस्सैल स्वभाव कभी कभार दे सकता है, लेकिन पराक्रम अच्छा रखेगा, निडरता देगा। यहाँ पे जो आपका बृहस्पति का क्षेत्र है, इसको पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी आपकी हथेली में ये साधारण अवस्था में बैठा हुआ है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हंसमुख स्वभाव जरूर बनाए रखेंगे, और देखा जाए तो दयालुपन की भावना भी रहेगी, परोपकार की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा संपन्न या बहुत ज़्यादा कमी नहीं देंगे, ये ठीक ठाक बनाए रखेंगे। हाँ, समाज में यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज़्यादा रखेंगे, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले लोगों में से एक होंगे, लेकिन एजुकेशन के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में, प्रबंधन के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में, वित्त के क्षेत्र में,
अगर जाने की सोच रहे हो, करियर बनाने की सोच रहे हो, तो बृहस्पति को पुष्ट और सुंदर करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई में उच्चतम स्तर पाने के लिए, नौकरी चाकरी में बड़ी लेवल हासिल करने के लिए बृहस्पति को सुंदर और पुष्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इन चीजों में कमी देने का ये काम करता है। शनि यहाँ पे ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है अड़चने नहीं पैदा कर रहा है, ना तो कोई तकलीफ दे रहा है। हाँ, थोड़ी सी जो है कुछ ज़्यादा मेहनत करने के बाद सफलता की प्राप्ति होगी, और कभी कभी जीवन काल में बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं। सूर्य का मैंने बता दिया है, जितना आपका विस्तार होना चाहिए था, जो फैलाव होना चाहिए था, सब कुछ होते हुए भी वो फैलाव नहीं हो पा रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा मन में बनी रहेगी। ऊपर की और कुछ रेखाएं हैं बुध पर्वत पर, ये बेहतरीन अवस्था की रेखाएं हैं। ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि करती हैं, सेवा भाव व्यक्ति के अंदर देती है, और ऐसा जातक अपने जीवन काल में एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता भी होता है। और ऐसे लोग जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे समृद्धि और सुख को प्राप्त करते हैं। ये बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ें हैं, लेकिन अभी ये मध्यम अवस्था में है, तो सभी कुछ व्यक्तित्व से लेके धन से लेके सब कुछ को मध्यम स्थिति में दे रहा है। आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। आने वाले समय में हार्मोनल सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, मन मजबूत रहेगा, और कहीं ना कहीं सकारात्मक सोच बनी रहेगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसमें एक दो चीज़ें खासकर हैं। एक तो सूर्य जो है पुष्ट और सुंदर करना बहुत जरूरी है, और बृहस्पति। दूसरा, जो ये नजर दोष आपकी हथेली में है, जो आंशिक रूप से सारी चीज़ों में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे रहा है, इस चीज़ को ठीक करना बहुत जरूरी है। तीसरा, नारायण की कृपा बेहतरीन अवस्था में आपकी हथेली में है। हाँ, करियर की रेखा, धन की रेखा थोड़ा सा जो है कम अवस्था में है, और ये रेखा अगर जिस तरह से आ रही है, एकाएक जो है केवल हृदय रेखा पे मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। अगर ये रेखा स्पष्ट होती है और इसी रेखा पर समाप्त हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है, तो जीवन काल में भावनाओं के वशीभूत होकर आप निश्चित ही गलत निर्णय ले लेंगे, और उस एक गलत निर्णय के कारण अपने सर्वस्व को, अपने विकास को अवरुद्ध कर लेंगे, और उस अवरुद्धता से उभरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जो बड़े फैसले हों, बड़े सोच समझ करके केवल भावनाओं के वशीभूत होकर न लें, और इस रेखा का सुंदर उपाय करें जिससे ये स्पष्ट हो, सुंदर हो, और कहीं ना कहीं जो है इससे आगे भी निकल जाए, जिससे उसका लाभ आपको प्राप्त हो। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।